नमस्कार, स्वागत है चैनल टेली खजाना में। आ गया है यारों का यार होस्ट राहुल भोज। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों एनिमल तो इतना ज्यादा खूंखार निकला कि बॉक्स ऑफिस इसने निगल लिया है। जी हाँ, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एनिमल की जो एडवांस बुकिंग है उसने ताबड़तोड़ रिकॉर्ड स्थापित कर दिए हैं और टाइगर की हवा निकाल दी है, यानी कि टाइगर को पीछे कर डाला है। आखिरकार क्या है माजरा, इस वीडियो में आपको बताता हूं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। मेरा दूसरा चैनल राहुल भोज कॉमेडी है, कमेंट सेक्शन में लिंक मैंने पेस्ट कर दिया, एक बार जाइए, जाके ढेर सारा प्यार बरसा डालिए। अब बात करते हैं एनिमल फिल्म की, जो कि रणबीर कपूर के फिल्मी करियर की माइलस्टोन फिल्म बनने वाली है। रणबीर कपूर ने 2023 में दो ब्लॉकबस्टर फिल्म दे दी है ऐसा लग रहा है, एक तू झूठी मैं मक्कार, दूसरी एनिमल। एनिमल संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म है, जो कि हम सबको पता है कि कबीर सिंह के डायरेक्टर हैं, और फिल्म जो बेहतरीन तरीके से शूट हुई है वो लाजवाब है। हाँ, फिल्म की अगर बात की जाए तो वो 3 घंटे की, कहीं ना कहीं आपको कुछ कुछ जगहों पे मोमेंट अननेसेसरी है, बट यस, फिल्म टोटली इंजॉयबल है। अब मैं किस रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं ये एक्सक्लूसिव है एडवांस बुकिंग रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, और वो भी डे वन की। जी हाँ, नेशनल चेन्स में एनिमल जो है उसने बाजी मार ली है, और इस फिल्म ने न सिर्फ एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, प्रेम रतन धन पायो, भारत, इन तमाम फिल्मों को पीछे कर दिया है। बट यस, खुशी की बात यह है कि पठान और जवान को नहीं कर पाई है। दरअसल एडवांस बुकिंग की जो रिपोर्ट आई है दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि इसने बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचा दिया था। कह रहे थे लोग कह रहे थे कि एनिमल का ट्रेलर जबरदस्त शानदार है, जिसके चलते फर्स्ट डे की जो एडवांस बुकिंग देखी गई है वो आपको बताना चाहता हूं, इट्स 4.56 लाख की, राइट। और वहीं अगर बात की जाए टाइगर 3 की तो उसकी थी 3.15 लाख। काफी ज्यादा अंतर है दोस्तों। आप लोगों को बता दूं तो सलमान साहब और रणबीर कपूर की ऐसी ही एक टक्कर 2018 में हुई थी, जहां पे 2018 में अगर आपको याद होगा तो फिल्म जब संजू आई थी इसने बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख डाला था, और उस टाइम पे रेस 3 आई थी, महीने का गैप था मुझे आज भी याद है, और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बवाल हुई थी। और सेम ऐसा ही यहां पर देखने को मिल रहा है, टाइगर 3 मात्र 3.56 लाख और एनिमल 4.56 लाख। तो रणबीर कपूर का बोलबाला है, आपको बता दो दोस्तों, तो रणबीर कपूर को फैबुलस नोट पे स्टार्ट मिला है। टायर 1 से लेकर टायर 2 टायर 3 के जो सिनेमाघर हैं, सिंगल स्क्रीन है, मल्टीप्लेक्स है, उन तमाम जगह पर एनिमल को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, और बिगेस्ट ओपनर बन गई है रणबीर कपूर के करियर की। इसके साथ साथ अगर टाइगर 3 की बात करें दोस्तों, तो टाइगर 3 ने टोटल हिंदुस्तान के बॉक्स ऑफिस में 282.02 करोड़ कमा दिया है। तो भाई सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या टाइगर 3 को क्रॉस कर पाएगी, सबसे बड़ा सवाल। आपको क्या लगता है जरूर बताएं, और बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें टेली खजाना। बाय बाय।